स्टूडेंट्स यूनिक ऑनलाइन गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ब्रह्मदेव पांडे है और हम बीसीए के लिए जावा का जो सीरीज़ है वो अपना स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हम फीचर्स ऑफ जावा पढ़ रहे थे, मतलब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो इसको इतने पॉपुलर बनाते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है आज के टाइम में। तो उन्हीं फीचर्स में से हम फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो फीचर था जिसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की भी थी वो ये फीचर था कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब सवाल आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक टाइप का प्रोग्रामिंग का अप्रोच है, एक तरीका है प्रोग्रामिंग करने का। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम अगले बार में पढ़ेंगे कि पूरा डिटेल में, फिलहाल के लिए हमें यह समझना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि हर चीज़ को एज अ ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट जैसे रियल वर्ल्ड में होता है कि कोई भी एंटिटी, कोई भी चीज़। तो अगर रियल वर्ल्ड में हम कोई चीज़ देखते हैं, सपोज हम एक बॉल को देखते हैं, एक बॉल है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या होगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। प्रॉपर्टीज़ मतलब कि कुछ इसके भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि इसकी लेंथ कितनी, इसकी थिकनेस कितनी है, वेट कितना है, ये किस मटेरियल की बनी है, इसका प्राइस कितना है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। और इसके कुछ बिहेवियर्स होंगे। बिहेवियर से मतलब ऐसे कुछ फंक्शंस होंगे जिससे बॉल्स, जो ये बॉल परफॉर्म कर सकती है या जो हम बॉल की मदद से हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि बॉल को अगर पुश किया जाए तो बॉल रोल कर सकती है, या फिर अगर उसको किक किया जाए तो वो फ्लाई कर सकती है पर्टिकुलर डिस्टेंस तक हवा में। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो इस बॉल के डिफाइंड हैं। और इन्हीं फीचर्स से और फंक्शन से, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके जो फंक्शंस हैं उन्हीं को मिलाकर जो बनता है उसे हम एक ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या किया जाता है कि किसी भी एंटिटी को, किसी भी चीज़ को एक ऑब्जेक्ट की तरह माना जाता है। जैसे कि अगर हम एक प्रोग्राम सपोज बना रहे हैं, कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं मतलब हमें इंस्ट्रक्शंस देने हैं कंप्यूटर को कि आप एक कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करें, मतलब यूज़र से कैसे नंबर्स को इनपुट करें और फिर कैसे उनको आपस में जो भी ऑपरेशंस करने हैं करके आउटपुट देना है। तो इसमें अब अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या किया जाएगा कि सीधा हम प्रोग्रामिंग का जो कैलकुलेटर की लॉजिक होगी वो लिखेंगे कि नंबर एंटर करो, ये करो, वो करो। जावा में हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर को जो उसका एज एन ऑब्जेक्ट मानेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब कि एक ऐसी एंटिटी मानेंगे जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके कुछ बिहेवियर्स होंगे। अब प्रिडिक्ट कीजिए कि कैलकुलेटर है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसमें होगा कितने बटन्स हैं। अगर हम रियल कैलकुलेटर जैसे एकदम सिमुलेटर बना रहे हैं तो होगा कितने बटन्स हैं, मतलब कितने कितने टाइप के उनमें इनपुट्स आ सकते हैं, कितने नंबर्स फेस कर सकते हैं, वो कौन कौन से नंबर्स किस टाइप के ले सकता है और किस टाइप की वो आउटपुट दे सकता है, मतलब नंबर का सम दे सकता है, जो है उनका डिफरेंस दे सकता है, प्रोडक्ट दे सकता है और उनका डिवीजन करके दे सकता है। तो ये कुछ हुई उसकी प्रॉपर्टीज़। और बिहेवियर्स क्या होंगे, वही जब डिवीजन करेगा तो उसका बिहेवियर जो होगा होगा डिवीजन। इनपुट लेना उसका एक बिहेवियर होगा, मल्टीप्लाई करना नंबर्स को उसका एक बिहेवियर होगा, और उस जो रिजल्ट आ रहा है मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके उनको बाहर यूजर को आउटपुट करना, ये भी उसका एक बिहेवियर होगा। तो अगर एक कैलकुलेटर एक ऑब्जेक्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कैलकुलेटर है, एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया कैलकुलेटर, कैलकुलेटर हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया सपोज ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे यानी प्रॉपर्टीज वो क्या क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, कितने इनपुट्स लेता है, इनपुट्स, आउटपुट कैसा देता है, ये कुछ बेसिक हैं जो हम देख रहे हैं। इसमें और भी आगे हो सकते हैं, हम एक बेसिक मॉडल लेके चल रहे हैं कि इसमें इनपुट्स होंगे, आउटपुट्स होंगे कि कुछ पर्टिकुलर आउटपुट और क्या क्या कर सकता है, क्या क्या मतलब ऑपरेशंस, ये क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है इन इनपुट्स पे, इनपुट्स पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है और वो आउटपुट क्या दे सकता है, ये होगा। और जो अब इसके जो प्रॉपर्टीज हो गए यानी ये जो फीचर्स हो गए, ये तो एट्रीब्यूट्स हो गए, और क्या इसकी फंक्शनैलिटीज क्या हैं, इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज भी तो होंगी, फंक्शनैलिटीज होंगी, और ये फंक्शनैलिटीज जो हम ऑपरेशंस में दिखा रहे हैं कि इसके बिहेवियर होंगे, ऑपरेशंस कुछ करना, वो हम इन फंक्शनैलिटीज के थ्रू ही यूजर को दिखाएंगे। जैसे कि फंक्शनैलिटीज ये क्या हो गई, टेकिंग इनपुट,
एक फंक्शनैलिटी है, बिना इनपुट दिए हम कैलकुलेटर को उससे कोई भी काम नहीं करा सकते हैं। तो इनपुट लेना, उसका इनपुट एक्सेप्ट करना यूजर से, उसकी एक फंक्शनैलिटी है। और क्या है, एक और फंक्शनैलिटी क्या है, गिविंग आउटपुट, आउटपुट देना, गिविंग आउटपुट्स। और एक और चीज, आउटपुट दे सकता है और क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, मतलब कि परफॉर्मिंग ऑफ ऑपरेशंस, इनमें ऑपरेशंस में क्या क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है, सब डिफरेंस हो सकता है यानी सब्ट्रैक्ट, और क्या हो सकता है इन प्रॉपर्टीज में, और क्या हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है कि जो इनपुट्स ले रहा है उनका प्रोडक्ट्स और उनका क्वोशेंट भी दिखा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं क्वोशेंट भी दिखा, यानी डिवीजन हो सकता है, और भी इसमें ऑपरेशंस हो सकता है। हम एक बेसिक कैलकुलेटर का मॉडल लेके चल रहे हैं। तो हमें क्या समझ में आया, ये कैलकुलेटर क्लास अगर हम बनाएंगे, एक अगर मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैलकुलेटर का, तो उसके अंदर ये कुछ ऐसे बिहेवियर्स होंगे, कुछ ऐसी, पहले बात तो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे, मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी उसकी, कि वो इनपुट ले सकता है, इनपुट्स होंगे कुछ, कुछ आउटपुट होंगे उसमें, और कुछ ऑपरेशंस डिफाइन होंगे, और फिर उनकी कुछ फंक्शनैलिटीज होंगी कि कैसे उनमें क्या होना है, और इसी पूरे को बोलेंगे एक ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ फंक्शनैलिटीज, मतलब कुछ एट्रीब्यूट्स हों उसके, कुछ प्रॉपर्टीज हों, और कुछ उसकी फंक्शनैलिटीज हों, कुछ बिहेवियर्स हों उनको। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है ये क्या है, ये एट्रीब्यूट्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज है, और जो फंक्शनैलिटीज हैं मतलब वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, इसे हम बोलेंगे उसके बिहेवियर्स क्या क्या हैं, क्या बोलेंगे, उसके बिहेवियर्स, मतलब कि उसके क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उसके बिहेवियर्स क्या क्या हैं, किस तरह वो बिहेव कर सकता है। जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे एक रियल वर्ल्ड में एक ऑब्जेक्ट क्या रहता है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगे यानी कुछ फीचर्स होंगे उसमें, और वो कुछ उसके बिहेवियर होंगे, कुछ वो बिहेव करेगा। जैसे कि अगर हमें कीबोर्ड लेना, तो उसके फीचर्स क्या है, उसमें कुछ कीज होंगी, एक बॉडी होगी पर्टिकुलर, एक शेप होगा, एक वायर लगा होगा कनेक्शन के लिए, और उसके बिहेवियर्स क्या होंगे, कीज को प्रेस करना, उसमें जो जैसे कैप्स लॉक और नम लॉक की कीज होती हैं उनके लिए लाइट्स होती हैं, तो उन लाइट को जलाना, ये सारे उसके फंक्शंस होंगे, और उन फंक्शंस में उन जो जब हम कीज को प्रेस करेंगे तो उसको आउटपुट, जो उसका इनपुट है वो कंप्यूटर को सेंड करना, ये भी उसका फंक्शन है। तो ऐसे उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, मतलब कुछ उसके प्रॉपर्टीज होंगी और कुछ उसकी फंक्शनैलिटीज होंगी, जिनको हम क्या बोलेंगे, कुछ उसके बिहेवियर। तो कैलकुलेटर, इसको कीबोर्ड का बिहेवियर क्या हो जाएगा, इनपुट देना, यूजर से की प्रेस करना और लाइट जलाना, ये कुछ बेसिक उसके जो है बिहेवियर्स हो जाएंगे। तो इसी तरह से हर चीज को जावा में, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, हर चीज को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। और क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए एक हम बेसिक मॉडल बना लेते हैं, और उस बेसिक मॉडल को क्लास कहते हैं। बेसिक मॉडल का मतलब क्या है, बेसिक मॉडल का मतलब ये है कि जैसे हमने बनाया एक क्लास, एक बना लिया कैलकुलेटर, तो हमने कह दिया ये कैलकुलेटर एक क्लास है। क्लास का मतलब क्या, ये एक बेसिक मॉडल है जिसके हिसाब से हम कई कैलकुलेटर्स अलग अलग बना सकते हैं। जैसे कि अब ये मॉडल बन गया कि इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ इनपुट्स लेगा, कुछ आउटपुट्स लेगा और कुछ ऑपरेशंस करेगा उन पे, और फंक्शनैलिटीज क्या होंगी, बिहेवियर्स, इनपुट लेना, आउटपुट देना और उनको प्रोसेसिंग करना उन पे, इनपुट पे प्रोसेसिंग करना यानी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब ये उसका बेसिक मॉडल हो गया। अब वो क्या क्या इनपुट लेगा, मतलब एक होल नंबर्स का इनपुट लेगा, डेसिमल नंबर्स का इनपुट लेगा, और फिर उनको आउटपुट किस फॉर्म में देगा, इसके बेसिस पे अलग अलग कैलकुलेटर्स बन सकते हैं। जैसे एक कैलकुलेटर ऐसा बन जाएगा जो केवल नंबर्स को लेगा, इनपुट में केवल इंटीजर नंबर्स को लेगा, जैसे आप 1, 2, 3, 4 दे सकते हैं, उसमें आप 2.3 नहीं दे सकते, अंडर रूट 2 नहीं दे सकते हैं, ये सारे इनपुट्स नहीं दे सकते हैं, मतलब इनपुट्स केवल उसमें इंटीजर नंबर्स रहेंगे। और आउटपुट क्या देगा, जाहिर सी बात है जब इंटीजर नंबर का रहता है तो आउटपुट ज्यादा या तो इंटीजर होगा या फिर एक डेसिमल नंबर होगा, अगर डिवीजन हो रहा है तो आउटपुट क्या होगा, एक डेसिमल नंबर होगा, तो वो एक टाइप का कैलकुलेटर बन गया।
और उसी टाइप का अगर एक और देखें ऐसा कैलकुलेटर जिसे हम थोड़ा एडवांस लेवल का कहेंगे, वो क्या करेगा, वो इनपुट्स में आपके डेसिमल नंबर्स भी ले सकता है, आपके अंडर रूट वाले मतलब जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको भी ले सकता है, रैशनल नंबर्स तो ले ही सकता है, और फ्रैक्शंस को भी इंटर कर सकता है, मतलब 3/5, 4/5 इन सब को भी एंटर कर सकता है, और उन पे उसी टाइप के ऑपरेशंस करके उसी टाइप में आपको फ्रैक्शंस में ही या इरेशनल फॉर्मेट में या आपको डेसिमल फॉर्मेट में ही आउटपुट दे सकता है। तो अब देखिए बेसिक मॉडल तो वही है कि इनपुट रहेगा उसमें कुछ, आउटपुट देगा कुछ, और कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, लेकिन उन्हीं इनपुट आउटपुट के अलग अलग तरह से बना करके हम अलग अलग कैलकुलेटर बना दिए हैं। तो ये जो बेसिक मॉडल हमने बनाया इसको क्या बोलेंगे, ये उस कैलकुलेटर की क्लास है, मतलब ये कैलकुलेटर क्लास है, और जो इससे अलग अलग बन के आएंगे ऑब्जेक्ट्स हमारे, एक कैलकुलेटर जो बेसिक लेवल का था खाली इंटीजर्स पे काम कर रहा था, और एक ऐसा कैलकुलेटर जो थोड़ा एडवांस लेवल पे था जो डेसिमल वैल्यूज को भी लेता था, फ्रैक्शनल वैल्यूज को भी लेता था, वो भी एक कैलकुलेटर हो गया, वो भी इसका एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो क्या बोलेंगे, ये दोनों जो दोनों कैलकुलेटर्स हमने दोनों टाइप के बनाए वो इसके दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये एक बेसिक मॉडल है उसको कैलकुलेटर कहेंगे, और कैलकुलेटर क्या है, कैलकुलेटर की क्लास है वो जो बेसिक मॉडल हमने बना दिया, और उस बेसिक मॉडल में हम अलग अलग एट्रीब्यूट्स की अलग अलग वैल्यूज डाल के, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं उसके एट्रीब्यूट्स हैं उनकी अलग अलग वैल्यूज डाल करके हम उसके अलग अलग टाइप बना सकते हैं, और उनको अलग अलग जो टाइप्स बनेंगे जो अलग अलग एंटिटीज बन के आएंगे उनको क्या बोलेंगे, उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे ऐसे कह सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट है, एक बेसिक डिजाइन है जिससे हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं। तो ये था बेसिक हमारा समझने का कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। अगर हम कहते हैं कि ये लैंग्वेज है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो उसका क्या मतलब है, उसका यही मतलब है कि उसमें हर चीज को, हर एंटिटी को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब इसी तरह उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके कुछ बिहेवियर्स होंगे, हर चीज को ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। दूसरा फीचर हमारा क्या है, जो जावा का हमारा दूसरा फीचर यहाँ पे लिखा है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का ये मतलब है कि अगर कोई प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म पे रन कर रहा है, मतलब एक कंप्यूटर पे रन कर रहा है जावा का प्रोग्राम, तो वो दूसरे प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पर भी रन करेगा। अगर उसमें जावा का जो रन टाइम है वो इंस्टॉल्ड है तो अगर इस प्रोग्राम में रन कर रहा है तो उस प्रोग्राम में भी रन करेगा, मतलब आप प्रोग्राम इसको और एक चीज कहते हैं वोरा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को एक चीज एक नाम और इसका दिया जाता है, क्या दिया जाता है इसको कहते हैं वोरा। वोरा क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, WORA इसका फुल फॉर्म है, राइट वंस रन एनीवेयर। इसका मतलब क्या है, जो लाइन है जिसका फुल फॉर्म है वो खुद में अपने में आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद वो एक्सप्लेनेशन अपना दे रहा है कि प्रोग्राम को आप एक सिस्टम पे लिखिए और आप उसको जाके दूसरे सिस्टम पर रन कराइए, मतलब आप उस प्रोग्राम को एंड्रॉयड फ़ोन में अपने लिख लीजिए, आप उसको कंपाइल करके एंड्रॉयड फ़ोन में रख लीजिए, और कंपाइल करने के बाद जो आपका कंपाइल करने के बाद जो फाइनल ऑब्जेक्ट फाइल आई है आपकी उसको ले जाके आप एक विंडोज़ के कंप्यूटर पे जाके रन कराइए, आराम से रन होगा, कोई उसमें इशू नहीं है। क्यों, क्योंकि वही बेसिक हमने पिछली क्लासेस में हमने सीखा है कि जावा कैसे काम करती है। जावा का जो कंपाइलर होता है वो पहले जो सोर्स कोड होता है, ये जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड जो होता है जावा का, जिसको हम यूजर जो लिखता है जो टेक्सचुअल फॉर्म में उसका प्रोग्राम जो लिखता है उसको जो पहले कंपाइलर है जिसका नाम क्या होता है, जावा सी, ये कंपाइलर क्या करता है, इस सोर्स कोड को कंपाइल करके एक एग्जीक्यूटिवल फाइल बनाता है। कैसी एग्जीक्यूटिवल फाइल, एक जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइट कोड, एक ऐसा फाइल बनाता है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइट कोड। और ये जो बाइट कोड होता है ये एक स्पेशल टाइप का कोड होता है कि जिसको अगर आप एक प्रोग्राम पे एक सिस्टम पे आपने रन करा के बाइट कोड जनरेट करा लिया
तो अब वो बाइट कोड अगर आपके पास है, ये बाइट कोड वाली फाइल अगर आपके पास है, तो आप किसी भी सिस्टम में लेके जाएं, ये रन होगा आराम से। क्यों? क्योंकि यहां से जो एग्जीक्यूशन होता है वो ये बाइट कोड का नहीं होता है। आपको याद होगा कि एग्जीक्यूशन जो होता है वो ये बाइट कोड फिर इंटरप्रेट होके, यानी लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होके कहां जाता है, जेवीएम के पास। जेवीएम क्या है? जावा वर्चुअल मशीन। और वो इसको फिर कंपाइल करके, वो इंटरप्रेट करके, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करके फिर वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और फिर ये यहाँ से प्रोसेसर को देता है, यानी आपके जो कंप्यूटर है उसके प्रोसेसर को देता है ये जेवीएम। तो क्या होगा अगर ये बाइट कोड आपके पास है और आपके सिस्टम में जेवीएम इंस्टॉल्ड है, आपके सिस्टम में जेवीएम प्रेजेंट है, तो आप इजिली इस बाइट कोड को लेके जाके, चाहे कहीं से भी बना हो, किसी भी सिस्टम पे बना हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना हो, विंडोज पे बना हो या लिनक्स पे बना हो या एंड्रॉयड पे बना हो या मैं एक iOS पे बना हो, कोई समस्या नहीं है, कहीं से भी ये बाइट कोड जनरेट हुआ हो, आप इस बाइट कोड की फाइल को लेके जाइए। अगर उसमें JVM इंस्टॉल होगा, JVM इजिली उस बाइट कोड को उस मशीन के लिए कन्वर्ट कर देगा और वो उस प्लेटफॉर्म पे रन हो जाएगा। तो यही है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब, मतलब कि जो प्रोग्राम है आपका वो आप एक जगह कंपाइल कर लीजिए और किसी भी सिस्टम पे कंपाइल कर लीजिए, और किसी दूसरे टाइप के सिस्टम पे या उसी टाइप के किसी दूसरे सिस्टम में आप जाके इजिली रन करा सकते हैं। तो ये मतलब होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का। दूसरा क्या है? सिक्योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जब इंटरनेट आया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती थी सिक्योरिटी की। एक तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का, जो जावा के मेन जो रीजंस बने जावा को डेवलप करने के लिए, वो यही दोनों मेनली थे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस उस समय चाहिए थी। क्योंकि क्या होता था कि इंटरनेट पे एक सिस्टम प्रोग्राम बन रहा है, मान लीजिए एक विंडोज वाले सिस्टम पे प्रोग्राम बन रहा है जिसमें विंडोज इंस्टॉल्ड है, और आप उस प्रोग्राम को बना करके आप इंटरनेट पे डाल रहे हैं, और हो सकता है जा करके वो किसी लिनक्स वाले कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो। तो जो नॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं, जो सिंपल, जो कंपाइल होने के बाद सीधा मशीन कोड बनाती हैं, उनमें ये प्रॉब्लम हो जाती थी कि आप उनमें जाके रन उसको नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने रन बना दिया यहाँ पे, तो आप उसी टाइप के, अगर विंडोज पे आपने उसको कंपाइल कर दिया तो विंडोज की मशीन पे ही उसको रन कराना पड़ेगा। लेकिन जावा ने क्या फीचर दिया कि आप विंडोज की मशीन पर, आप विंडोज के कंप्यूटर पे उसको कंपाइल कराइए और आप जाके उसको आराम से लिनक्स के सिस्टम पे रन कराइए, कोई इशू नहीं है। तो एक तो था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, और दूसरा था सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का भी पर्पस है, एक तो जावा की जो लाइब्रेरीज हैं वो बहुत ज्यादा सिक्योर हैं, वो अपने आप में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, सिक्योरिटी के बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि स्पेशली इंटरनेट यूजर्स में बहुत काम आते हैं। और दूसरा एक और है कि जो जावा का ये जो सिस्टम है, ये जो तरीका जावा यूज करती है कि पहले अपने सोर्स कोड को कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करती है और फिर उस बाइट कोड को जेवीएम एग्जीक्यूट कराता है प्रोसेसर के लिए। ट्रेडिशनल जो होती है, जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो नॉर्मल तरीका है जो बाकी लैंग्वेजेस यूज करती हैं, वो ये करती हैं कि ये स्टेप बिल्कुल मिस हो जाता है, यहाँ से ये स्टेप यहाँ पे रहता ही नहीं है। क्या रहता है कि जो कंपाइलर होता है, यहाँ पे अगर उसको डायग्रामेटिक हम बनाएं, तो जो जैसे सोर्स कोड है, मान लीजिए सी का एक सोर्स कोड है, सी लैंग्वेज का सी सोर्स कोड है, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है। अब सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर होगा, जैसे सपोज GCC है, ये क्या करेगा, कंपाइल करेगा इसको, और कंपाइल करके डायरेक्ट जो कोड बनाएगा, यहाँ पे जो फाइनल जो जनरेट होगा, यहाँ पे जो प्रोग्राम, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होगी, जो एग्जीक्यूटेबल जनरेट होगी, ये क्या होगी, ये सीधा प्रोसेसर से इंटरेक्ट करेगी, इसको सीधा जाके प्रोसेसर से अपने वहां पे एग्जीक्यूट होगी। मतलब कि आप यहाँ पे अगर ऐसा कोई कोड लिख रहे हैं जो कि आपके प्रोसेसर या जाके सिस्टम पे कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, सिस्टम कुछ कोई हार्म पहुंचा सकता है, तो ऐसा बीच में कहीं भी तरीका नहीं होगा। अगर आपके पास कुछ एंटीवायरस या कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसा प्रोग्राम है जो बराबर आपके सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है कि हाँ कोई प्रोग्राम ऐसा तो नहीं जो यहाँ पे जाके हार्म करे, तो ही आपका सिस्टम बच सकता है। अदरवाइज ये जाके, ये जो एग्जीक्यूटेबल है, ये डायरेक्टली जाके आपके सिस्टम को, आपके प्रोसेसर को या आपके पूरे कंप्यूटर को वहाँ पे परेशान कर सकती है, वहाँ पे उसको हार्म पहुँचा सकती है। और जावा ने इसे चेंज कर दिया इस तरीके से, उसने बीच में एक एक्स्ट्रा स्टेप डाल दिया JVM का। इसके वजह से जावा भी क्या हो गई, एक बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज हो गई। तो ये हमें क्लियर हो गया कि जावा को सिक्योर लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। सिक्योर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस भी हमें क्लियर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चर न्यूट्रल।
आर्किटेक्चर न्यूट्रल क्या होता है? आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो डेटा लाइंस होती है जिससे डेटा ट्रांसफर होता है, वो आप जब एक कंप्यूटर की जो डिटेल्स होती है, प्रोसेसर होता है, उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे समझ में आएगा, उसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो डिफरेंट डेटा लाइंस के थ्रू होता है, जिनको बसेस कहते हैं, डेटा बसेस कहते हैं। और वो उनमें जो बिट्स होते हैं, मतलब कि कितने डेटा लाइंस हैं, उनको कहते हैं, उसको उस टाइप के डिपेंड करता है कि वो 16 बिट का कंप्यूटर है कि 32 बिट का कंप्यूटर है कि 64 बिट का कंप्यूटर है। जो अभी सबसे लेटेस्ट चल रहा है वो 64 बिट का कंप्यूटर है, मतलब उसमें एक बार में आप 64 बिट का डेटा सेंड कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है कि जो जावा में कि जो 32 बिट वाले सिस्टम पे रन कर रहा है, वो एग्जैक्टली वैसा ही जाके 64 और 16 बिट के सिस्टम पे भी रन करेगा, प्रोवाइडेड दैट उस सिस्टम पर भी JVM आपका इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो वही पे जो मेन स्टेप आता है JVM वाला, वही पे सारी जो बाकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई हैं, कि आपका जो बाइट कोड जनरेट होगा वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होगा, मतलब वो ना प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करेगा और आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट भी होगा, यानी आर्किटेक्चर न्यूट्रल भी होगा, जो आर्किटेक्चर पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है कि सिस्टम आपका 32 बिट है या 64 बिट है। आप उसको जब बाइट कोड को एक बार कंपाइल कर लिए, वो बाइट कोड को आप ले जाए किसी भी सिस्टम पर रन कराएं, वो इजिली रन होगा। तो आर्किटेक्चर का भी कोई डिपेंडेंस नहीं है, मतलब 32 बिट वाला प्रोग्राम जो है वो 64 बिट पे जाके इजिली रन हो जाएगा। तो ये था आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मतलब। दूसरा क्या है? पोर्टेबल। वही चीज जो ये और ये मिलके करते हैं, जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस और आर्किटेक्चर न्यूट्रल जो ये फीचर्स हैं, ये मिलके जावा के प्रोग्राम को क्या बना देते हैं? पोर्टेबल बना देते हैं। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। पोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो ये जो फीचर्स हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस और आर्किटेक्चर न्यूट्रल, ये जो फीचर्स दोनों मिलके जावा के प्रोग्राम को पोर्टेबल बना देते हैं, कि आप एक जगह प्रोग्राम को बनाइए, एक सिस्टम पे प्रोग्राम को बनाइए और इजिली आप उसको पोर्ट करके किसी दूसरे सिस्टम पे ले जाइए, वहां पे रन कराइए। तो ये हुआ पोर्टेबल का मतलब। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब क्या है? रोबस्ट का मतलब ये है कि आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो जावा के प्रोग्राम बन के तैयार, जो एप्लीकेशन जावा से बनती हैं, उनमें क्रैश होने का चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों क्रैश क्यों होता है प्रोग्राम? आपको पता होगा कि आपने बेसिक, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है कि प्रोग्राम्स क्रैश क्यों होते हैं। मेनली प्रोग्राम्स क्रैश होते हैं एक्सेप्शंस की वजह से, जो रन टाइम एरर्स आ जाती हैं, मतलब प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाता है, ठीक से रन नहीं हो पाता है, रन टाइम में कुछ एनवायरमेंट में या कुछ यूजर के इनपुट में ऐसा वैल्यूज आ जाती हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि प्रोग्राम रन नहीं हो पाता है, क्रैश हो जाता है सिस्टम, तो एप्लीकेशन वहाँ पर क्रैश हो जाती है। सपोज ऐसा आप एक प्रोग्राम बना है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में बना है, किसी लैंग्वेज मान ली एक्स में बना है, और वो उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का फीचर नहीं है, मतलब कि जब प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आती है, कोई रनटाइम एरर आती है, तो प्रोग्राम में ये सिस्टम नहीं दिया गया कि कैसे आप उसको हैंडल करेंगे, कैसे आप उस सिचुएशन से उभरेंगे। क्या होगा, आप सपोज उस टाइप का प्रोग्राम जाके एक एरोप्लेन जो बनती है उसके सिस्टम में चल गया, उसमें भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे पूरा प्लेन ऑपरेट होता है, उसके सॉफ्टवेयर में उसी टाइप की लैंग्वेज से उसका सॉफ्टवेयर बनाया गया। अब क्या होगा, मान लीजिए कोई एरर आई, कोई ऐसे रन टाइम एरर आई, कोई एक्सेप्शन अगर हुई किसी वजह से, वो पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। और फिर वहाँ पे क्या होगा, एक एरोप्लेन होती है वहाँ पे कोई मदद भी नहीं जा सकती है, वहाँ पे फिर क्या होगा, कितनी सारा नुकसान होगा, एक तो पैसे का होगा, ऊपर से कितनी सारी जाने जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम्स को जावा में इजिली दूर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रन टाइम एक्सेप्शंस होती हैं उनको दूर करने के, उनको हैंडल करने के बहुत ठोस जो तरीके हैं वो दिए गए हैं, मतलब कि आप इतने सारे मैकेनिज्म्स हैं रन टाइम एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए, कि आपका प्रोग्राम में मान लीजिए रन टाइम एक्सेप्शंस आती भी हैं, रन टाइम में कोई एरर आती भी है, तो उनको आप इजिली हैंडल कर सकते हैं, अब प्रोग्राम आपको क्रैश नहीं होगा, इजिली वो काम करता रहेगा। तो जहाँ भी ऐसा प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे लाइफ का या मनी का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ रहता है, जहाँ पे वहाँ पे बहुत डर रहता है क्रैश होने पे, वहाँ पे जावा बहुत यूज़फुल होती है, कि वो प्रोग्राम जो होंगे वो रोबस्ट होंगे, मतलब वो जल्दी क्रैश नहीं होंगे, उनमें एक्सेप्शंस को ईजिली हैंडल कर लिया जाएगा। तो ये फीचर है रोबस्टनेस का, इसलिए कहते हैं जावा के प्रोग्राम्स रोबस्ट होते हैं, ये रन टाइम एक्सेप्शन से बहुत आसानी से, बहुत ईजिली आप ओवरकम कर सकते हैं। तीसरा जो अगला फीचर है हमारा वो है मल्टी थ्रेडेड का। अब मल्टी थ्रेडेड क्या होता है? मल्टी थ्रेडेड ये दो शब्द से बना है, दो पार्ट है इसके, एक क्या है, एक मल्टी है, एक थ्रेडेड है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अभी बेसिक समझने के लिए, कि जावा में जो प्रोग्राम्स चलते हैं
उनको एक साथ में प्रोग्राम के कई सारे पार्ट्स रन कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक प्रोग्राम है मान लीजिए, जो क्या करेगा, एक सिंपल सा प्रोग्राम हम बनाते हैं, यहाँ पे इमेजिन करते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम है, सपोज जावा का नहीं कोई एक लैंग्वेज का है। क्या होना है उस प्रोग्राम में, सिंपल सा प्रोग्राम है छोटा सा, कि एक यूजर से कुछ वैल्यू लेगा, एंटर करेगा, मतलब एंटर सम वैल्यू, मतलब यहाँ पे कुछ इनपुट हो रहा है और यहाँ पे उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग हो रही है इनपुट पे, और प्रोसेसिंग के बाद यहाँ आउटपुट होता है। ये जनरल जो एक प्रोसीजर होता है, जो फॉलो होता है एक प्रोग्राम को रन करने के लिए, कि आप कुछ इनपुट्स लें, जो यूजर से कुछ वैल्यूज लेने हैं वो आप ले लें, उन पर कुछ आप प्रोसेसिंग कर दें, कुछ आउटपुट दे दें। लेकिन जब ये प्रोग्राम्स अभी छोटे लेवल से, यही प्रोग्राम जब बड़े लेवल में चले जाते हैं, आप एक पूरे लाइब्रेरी का मैनेजमेंट का बनाना है, एक कॉलेज के मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स की डेटा एंट्री और बाकी होंगे, क्या होता है उसमें कि आप अगर प्रोग्राम को ऐसे सीक्वेंसली पूरा रन कराएंगे तो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा प्रोसेसर को परेशान करेगा। प्रोसेसर को परेशान करने का मतलब क्या है कि आप एक बार प्रोग्राम चल रहा है, कुछ हो रहा है उसमें प्रोग्राम में, वो प्रोसेस एक बार एग्जीक्यूट होने लगा, मान लीजिए किसी वजह से उस प्रोसेस को रुकना पड़ रहा है, तो क्या प्रोसेसर को भी वहाँ पर रुकना पड़ेगा। जैसे कि क्या होता है कि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो मिली सेकेंड्स में काम करते हैं, मिली सेकेंड क्या होता है, थाउजेंड सेकेंड्स, एक सेकेंड, वो थाउजेंड सेकेंड के थाउजेंड पार्ट्स। तो एक मिली सेकेंड क्या होता है, एक मिली सेकेंड क्या होता है, एक मिली सेकेंड क्या होता है कि एक सेकेंड का 10^-3 seconds, मतलब कि इसका क्या मतलब है, 1/1000 seconds। तो इतने टाइम के यूनिट्स में ऐसे इंक्रीमेंट कि 3 मिलीसेकंड 4 मिलीसेकंड में एक प्रोसेस होना है। और कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो कि यूज़र करता है, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, जैसे कि इनपुट लेना। अगर आप एक इनपुट दे रहे हैं, मान लीजिए आपको एक नंबर एंटर करने को कह दिया गया, तो आप 13 या 14 एंटर कर रहे हैं, आपको एक सेकेंड तो लग ही जाएगा, और उतने टाइम में ये 50-60 काम कर सकता है कंप्यूटर। तो क्या करेंगे, जो जावा का मल्टी थ्रेडेड फीचर है, ये क्या करेगा कि ये जब तक ये इनपुट ले रहे हैं, जब तक यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं, तब तक वो कोई और काम करा जाएगा, मतलब कि वो कंप्यूटर जो है प्रोग्राम में, जो उसके कई सारे पार्ट्स हैं, प्रोग्राम के कई सारे पार्ट्स पैरेलल में चल सकते हैं, मतलब कई सारे थ्रेड में चल सकते हैं। तो एक थ्रेड में एक पर्टिकुलर प्रोसेस चल रहा है, दूसरे थ्रेड में आप दूसरा प्रोसेस चला सकते हैं, इस फीचर को कहते हैं मल्टी थ्रेडेड। दूसरा आया डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यही है कि जावा के प्रोग्राम्स जो होते हैं वो, चूँकि JVM जो है वो पॉपुलरिटी, जावा की पॉपुलरिटी की वजह से JVM हर सिस्टम में होता है, हर सिस्टम में, ज़्यादातर सिस्टम्स में JVM इंस्टॉल्ड होगा, जो जावा का रन टाइम है वो इंस्टॉल्ड होगा। उसकी वजह से आप एक जावा का प्रोग्राम आप अगर बनाए हैं तो आपको ऐसा सोचने की प्रॉब्लम नहीं होगी कि हो सकता है फला सिस्टम में JVM इंस्टॉल्ड ना हो तो प्रोग्राम कैसे रन होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम में जो जावा का रन टाइम है वो ज़्यादातर सिस्टम में वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से आप एक जावा प्रोग्राम अगर आप रन कराते हैं तो ईजिली वो किसी भी सिस्टम पर रन कर सकता है, इस फीचर को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो अगला फीचर है डायनेमिक, डायनेमिक फीचर ये कहता है कि जावा के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो जावा खुद लैंग्वेज है अपने आप में, ये डायनेमिक है, मतलब ये स्टैटिक नहीं है कि एक बार में जो बन गई वो बन गई, कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रही है, जैसे चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड में, जैसे हमारे सिस्टम्स बदल रहे हैं, सिस्टम की परफॉर्मेंस बदल रही है, पहले सिस्टम बहुत स्लो होते थे, अब फास्ट सिस्टम आ रहे हैं, सुपर कंप्यूटर्स होने लगे हैं, उसके हिसाब से इसके लाइब्रेरीज जो होती हैं, APIs होती हैं, वो चेंज हो रही हैं, धीरे धीरे अपग्रेड किया जाता है उनको, तो नए वर्जन आते हैं, इसकी वजह से ये लैंग्वेज बराबर डायनेमिकली चेंज होती रहती है। तो जो नए चेंजेस होते हैं वर्ल्ड में, एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं, सिस्टम में चेंजेस होते हैं, वो आपके प्रोग्राम को ईजिली, आपका प्रोग्राम उनमें अडॉप्ट, अपने आप को अडॉप्ट कर सकता है और वो प्रोग्राम अप टू डेट रह सकता है। तो ये फीचर है जावा का डायनेमिक फीचर। तो ये बेसिक कुछ फीचर्स थे जावा के, जिनकी वजह से जावा एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, पोर्टेबल, रॉबस्ट, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड और एक क्या था, डायनेमिक। इन फीचर्स की वजह से जावा जो है एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस में से एक है। तो ये थे हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके कुछ फीचर्स थे जिसकी वजह से जावा एक पॉपुलर लैंग्वेज है। क्या क्या फीचर्स हैं, एक बार फिर से क्विक रिविजन, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर लैंग्वेज है,
आर्किटेक्चर न्यूट्रल लैंग्वेज है, पोर्टेबल है, रोबस्ट है, मल्टी थ्रेडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है और डायनामिक है। और इन सब के बारे में हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया, ये सारे जावा के फीचर्स हैं। अब जो सबसे पहला यहाँ पे आया था वर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसका मतलब हमने क्या सीखा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऐसा एक अप्रोच है प्रोग्रामिंग का जिसमें हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक प्रोग्राम को एज एन ऑब्जेक्ट माना जाता है, हर एंटिटी को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ऐसी एंटिटी जिसकी कुछ एट्रीब्यूट्स हों और कुछ उसकी फंक्शनैलिटीज हों, यानी कुछ उसके बिहेवियर्स हों। यहाँ पे जैसे हमने कैलकुलेटर वाले का किया था, तो कैलकुलेटर के कुछ एट्रीब्यूट्स थे और कुछ उसके फंक्शनैलिटीज यानी कि बिहेवियर्स थे। तो इसमें हर चीज़ को, हर एंटिटी को एज एन ऑब्जेक्ट इसको ट्रीट किया जाता है, और यही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इन दोनों में जो एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज का जो होता है और बिहेवियर्स जो होते हैं, इनका बेसिक मॉडल बनाया जाता है जिसका रेफरेंस लेकर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। जैसे कि इसमें कैलकुलेटर जो क्लास थी, हमने क्या कहा कि कैलकुलेटर क्या है, कैलकुलेटर जो है हमारा ये एक क्लास है, कैलकुलेटर हमारा एक क्लास है। और इस क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं, मतलब इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, उनमें कुछ इनपुट्स होंगे, आउटपुट्स होंगे और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, और उनके बिहेवियर्स क्या होंगे, इनपुट लेना, आउटपुट देना और उन इनपुट्स पर प्रोसेसिंग करना, कि मतलब इनपुट्स को कैसे प्रोसेस करता है, ऐड करता है, सबट्रैक्ट करता है या मल्टीप्लाई करता है, जो भी उसमें अंदर प्रोसेसिंग हो रही है। तो इस पूरे बेसिक मॉडल को हम क्या कहेंगे, क्लास, ये कैलकुलेटर क्लास है। और इसमें जब हम एट्रीब्यूट्स को डिफरेंट वैल्यूज दे करके अलग अलग एंटिटीज बना देंगे, जैसे कि कैलकुलेटर में इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं और ऑपरेशंस हैं, इनको अलग अलग वैल्यूज हम दे दें तो वो अलग अलग एंटिटीज बन जाएंगे, और उन एंटिटीज को क्या बोलेंगे हम, इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स। तो आप डिटेल में समझते हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, डिटेल में हम समझते हैं इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। यहां से हम ओपन कर लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक्स, मतलब फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फीचर्स ऑफ ओओपी, ओओपी इसका शॉर्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब हम देखते हैं कि क्या फीचर हैं। तो सबसे पहला वर्ड वही आया जो हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस जिसके बारे में किया है, क्लास, क्लास आया सबसे पहला वर्ड हमारे सामने, क्या आया, क्लास। और क्लास क्या है, अभी हमने क्लियर हुआ है कि क्लास क्या होती है, क्लास वो बेसिक मॉडल है जिसका रेफरेंस लेकर के हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, बेसिक मॉडल। अब कैलकुलेटर का तो एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल और देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं किस चीज का, एक क्लास का, कि क्लास कैसे बनाएंगे। सपोज एक क्लास है स्टूडेंट, स्टूडेंट भी एक क्लास हो सकती है, मतलब अगर हमें डिफरेंट स्टूडेंट्स बनाने हैं, अगर एक स्टूडेंट है, जैसे एक स्टूडेंट का आपको डेटा सेव करना है, एक प्रोग्राम आपको बनाना है जिसमें एक स्टूडेंट के डेटा जो है वो सेव होंगे और फिर जब काम लगेगा उनको रिट्रीव किया जाएगा, जैसे एक स्कूल के मैनेजमेंट में होता है, एक स्कूल मैनेजमेंट अगर सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं तो उसमें एक ऐसा डेटाबेस होगा ना जिसमें आप स्टूडेंट्स के डेटा को स्टोर करेंगे और जब काम लगेगा आप उसे रिट्रीव करेंगे। तो अब उसमें हर एक स्टूडेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इसमें क्या करेंगे हम, हर एक स्टूडेंट को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, कि मतलब उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके कुछ बिहेवियर्स होंगे, मतलब उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज होंगी। और कई सारे स्टूडेंट्स हमारे पास, सबके एट्रीब्यूट्स अलग अलग हैं, किसी का फादर नेम अलग है, किसी का फादर नेम कुछ और है, डेट ऑफ बर्थ सबका अलग होगा, ज़्यादातर लोगों का, क्लास सबकी हो सकता है, 10 स्टूडेंट की क्लास अलग हो, 10 स्टूडेंट्स की क्लास अलग हो, नेम्स तो अलग अलग होंगे ही। तो ये अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स अलग अलग होंगे, लेकिन एक हम बेसिक मॉडल बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हम इन सब ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करेंगे, और उस बेसिक मॉडल को क्या कहेंगे, स्टूडेंट क्लास। तो क्या बनाएंगे हम, एक क्लास बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे हम यहाँ पे स्टूडेंट के नाम की, क्लास यहाँ पे बनी जिसका क्या नाम है, स्टूडेंट। ये स्टूडेंट एक क्लास है, मतलब क्या है, स्टूडेंट वो बेसिक मॉडल है जिसके हिसाब से, जिसके अकॉर्डिंग, जिसका रेफरेंस लेकर के हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे, वो ब्लूप्रिंट है, इसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं, कि जो क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट होती है, कि मतलब वो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है जिसके हिसाब से हम बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करेंगे। तो ये क्लास है हमारे स्टूडेंट, और इसके अंदर क्या होंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और कुछ बिहेवियर्स होंगे, मतलब कि इनके जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उनकी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगी और कुछ उनके बिहेवियर्स होंगे। तो
तो एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आएगा? एट्रीब्यूट्स में हम देखते हैं क्या क्या रखेंगे हम। हम बेसिक ऐसे जनरल लेके चल रहे हैं कि जो जरूरी जरूरी कॉन्सेप्ट, जो जरूरी एक एट्रीब्यूट जो एक स्टूडेंट के अंदर होने चाहिए क्या होगा, उसका नेम होगा, पहला होगा नेम, दूसरा फादर्स नेम हो सकता है, फादर्स नेम, और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, किस क्लास में है, क्लास ऑफ स्टडी, और क्या हो सकती है उसका रोल नंबर, कि मतलब वो किस रोल नंबर पे आता है अपनी क्लास में, उसका रोल नंबर क्या है, और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, और वैसे सफिशिएंट प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन अगर हम जैसे एक प्रॉपर्टीज और डिफाइन करना चाहें तो ये जो क्लास ऑफ स्टडी है, और इसका ये भी कर सकते हैं कि ये जो ये स्टूडेंट है, ये जो अपने पूरे डेटा को जब सेव कर रहा है, जब पूरे डेटा को स्टूडेंट का जब सेव करेंगे तो हम कहीं ना कहीं डेटाबेस में सेव करेंगे, और उसको किस हिसाब से हम क्लासीफाई करेंगे, क्लास के हिसाब से। एक क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स का डेटा होगा, एक क्लास में जैसे एक क्लास ट्वेल्थ में कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे, क्लास टेंथ में कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे, तो उसके लिए हमें क्लास ऑफ स्टडी हमने डिफाइन कर दिया है। ये ट्रिब्यूट जो रहेगा ये डिफाइन करेगा, ये कई सारे स्टूडेंट्स का सेम हो सकता है, क्या, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक क्लास टेंथ में 10 स्टूडेंट्स हैं, सपोज 10 स्टूडेंट्स हैं, अब उन 10 स्टूडेंट्स का जो ये वाला ट्रिब्यूट होगा क्लास ऑफ स्टडी, वो सबका वैल्यू क्या होगा, सबका 10 होगा, सबका 10 होगा, मतलब वो एट्रीब्यूट्स के जो ये जो क्लास ऑफ स्टडी है ये उन 10 स्टूडेंट्स की ये एट्रीब्यूट का सेम वैल्यू होगा। तो इससे क्या मतलब पता चलता है हमें कि अगर कोई एट्रीब्यूट्स हम बना रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अलग अलग उसके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उनके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू अलग होनी ही चाहिए, कुछ एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेम हो सकती है। तो ये इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन कर दिए अपनी तरफ से, नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, किस क्लास में पढ़ रहा है, रोल नंबर क्या है, और डेट ऑफ बर्थ क्या था, ये है। एक हम और चलिए एडमिट कर लेते हैं कि एडमिशन डेट क्या थी, डेट ऑफ एडमिशन, ठीक, डेट ऑफ एडमिशन। अब ये चीजें हमारे पास हो गई, ये उसके एट्रीब्यूट्स हमारे पास आ गए, अब क्या करेंगे हम, उसके कुछ फंक्शनैलिटीज होंगी, यानी उसके कुछ बिहेवियर्स होंगे, बिहेवियर्स को भी हमें डिफाइन करना होगा, और बिहेवियर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसके बिहेवियर्स यानी क्या फंक्शनैलिटीज हैं, क्या क्या फंक्शंस उसमें परफॉर्म हो सकते हैं, फंक्शनैलिटीज, इनको हम बेटर रहेगा अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में ही कहें, क्या बोलें, बिहेवियर्स, ये उसके कुछ बिहेवियर्स हैं, क्या क्या बिहेवियर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट एक अगर ऑब्जेक्ट आप बनाए हैं तो उसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या काम आपकी ज़रूरत रहेगी करने की। सबसे पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होगा, जब उसका एडमिशन होगा स्टूडेंट का, तो उसकी डेटा को हमें सेव करना पड़ेगा, मतलब कि हमें यूज़र जो सामने हमारा यूज़र बैठा है जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा होगा, वो स्टूडेंट से उसके डेटा पूछेगा कि नाम क्या है, फादर पापा का नाम क्या है, रोल नंबर तो अपनी कॉलेज की तरफ से जनरेट होगा, और बाकी जो डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ एडमिशन ये सब वहाँ पर इनपुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला फंक्शनैलिटी इस पर क्या होगा, सबसे पहला ऐसा क्या फंक्शन होगा जो परफॉर्म करना होगा, इनपुट करना होगा, क्या होगा, इनपुट डेटा, इनपुट डेटा मतलब उसकी डेटा को, जो भी उसके डेटा हैं उनको इनपुट करना। दूसरा क्या होगा, डेटा को तो इनपुट हमने कर लिया, एक क्या होगा, ए सेव डेटा टू डेटाबेस, मतलब कि जो उसके डेटा स्टूडेंट के हमारे आए वो हमें ऐसे टेम्परेरी तो रखेंगे नहीं, उसको हम कहीं परमानेंट सेव करेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो सेव डेटा टू डेटाबेस भी एक फंक्शन हो सकता है, कि मतलब स्टूडेंट के जो डेटा हमारा आया हमारे पास में वो सब एक डेटाबेस में हम स्टोर कर दें। और क्या हो सकता है, डेटा सेव करने के अलावा रिट्रीव डेटा, अगर हम डेटा सेव कर रहे हैं मतलब उसका रिट्रीव भी कभी करेंगे, मतलब डेटा को एक्सेस करेंगे वहाँ से, रिट्रीव, रिट्रीव रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस, ये एक प्रॉपर्टी हो जाएगी कि जो डेटा है उसको रिट्रीव करना। और एक प्रॉपर्टी क्या होगी, ये हम वो सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स लिख रहे हैं जो सबसे जरूरी है, जो होने ही होने चाहिए आपको इस क्लास को, इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए।
एक और क्या रखेंगे इसमें, एक हम और रखेंगे फ्रॉम डेटाबेस। और हमारा क्या था, शो डेटा, शो डेटा। ये इसको हम और क्या कर सकते हैं, आउटपुट करना, आउटपुट डेटा। ये इस, ये जो फंक्शनैलिटी है, ये बिहेवियर है, इसका क्या होगा, क्या काम होगा, थोड़ा सोचिए। ये जो शो डेटा है, इसका क्या काम होगा? अब कहीं पे हम स्टूडेंट का डेटा सेव कर रहे हैं, स्टूडेंट से रिसीव करके, स्टूडेंट से पूछ करके डेटा सेव कर रहे हैं, फिर हमें फ्यूचर में काम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस में थोड़े ना देखेंगे, सॉफ्टवेयर में आके देखेंगे। तो सॉफ्टवेयर में एक और फंक्शनैलिटी होगी जो कि स्टूडेंट क्लास ही हैंडल करेगा। क्या फंक्शनैलिटी होगी? शो डेटा, यानी आउटपुट डेटा, डेटा को आउटपुट करने का। तो अब क्या हो गए, इसके जो डेटा मेंबर्स हो गए, जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम जो डेटा मेंबर्स का कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, कि जो डेटा मेंबर्स हैं, इनको जो एट्रीब्यूट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसकी भाषा में इनको बोलते हैं डेटा मेंबर्स। क्या बोलते हैं? डेटा मेंबर्स। ये इस क्लास के, ये हमने क्लास डिफाइन की ना, जो स्टूडेंट है, हमने क्लास डिफाइन की, एक बेसिक मॉडल डिफाइन किया, जिसके हिसाब से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, इसके अलग अलग एंटिटीज इससे बना सकते हैं, जिनके एट्रीब्यूट्स अलग अलग होंगे। तो ये बेसिक मॉडल हमारा है स्टूडेंट क्लास। तो स्टूडेंट क्लास यानी कोई भी क्लास होती है, उसकी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स के जो एट्रीब्यूट हो सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, डेटा मेंबर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है, उसके लैंग्वेज में हम बोलते हैं डेटा मेंबर्स। और जो दूसरा एक होता है, बिहेवियर्स जो उसके होते हैं, यानी जो उसमें फंक्शनैलिटीज होती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, मेथड्स, मेथड्स बोलते हैं। और मेथड्स का काम क्या होता है? मेथड्स का काम यही होता है, इनके जो डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करना, उनको इनपुट करना, उनको आउटपुट करना, यही सब बेसिक काम होता है मेथड्स का। मेथड्स को हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि जो इनके डेटा मेंबर्स हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा तो यही सारा है ना, उसका नेम, फादर्स नेम, क्लास ऑफ स्टडी, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, इंपॉर्टेंट डेटा तो हमारा यही है। अब केवल हम इन जो मेथड्स को बना रहे हैं, ये किस लिए बना रहे हैं? बस इनको एक्सेस करने के लिए। मेथड्स हमारे किस लिए बन रहे हैं? इस डेटा को एक्सेस करने के लिए। कौन कौन से मेथड हमने बना दिए? इनपुट डेटा, यानी एक फंक्शनैलिटी हो गई इसकी इनपुट डेटा, एक होगा डेटा को सेव करना डेटाबेस में, फिर डेटाबेस से फिर से वापस लेना, कभी काम लगेगा, और उसके बाद शो डेटा, यानी कि जो डेटाबेस से हमारा डेटा आया स्टूडेंट का, उसको फिर स्क्रीन पे आउटपुट करना एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये हमारा बेसिक मॉडल बन गया, और इस बेसिक मॉडल को हम क्या बोलेंगे? क्लास। इस बेसिक मॉडल को हम क्या बोलेंगे? क्लास। अब देखिए, जब दूसरा पॉइंट जो आता है यहाँ पे, जो दूसरा पॉइंट हमारा आता है, वो क्या आता है? ऑब्जेक्ट। पहला हमारा पॉइंट था क्लास, दूसरा हमारा क्या पॉइंट आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, मतलब कि उसका जो ओरिएंटेशन है वो ये है कि हर चीज को, हर एंटिटी को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है मुझे। तो अब मैं प्रोग्रामर अगर हूँ, मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ उस एप्लीकेशन की, तो मैं हर एंटिटी को तो एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करूंगा। अब ये बेसिक मॉडल तो हमारा बन गया स्टूडेंट का, कि ये मॉडल पे हमारे सारे स्टूडेंट्स के डेटा होंगे। अब सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट आया, उसका डेटा हमें सेव करना है, तो डेटा सेव करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा सेव करने के लिए क्या करना होगा, हमें ये फंक्शन स्टार्ट करना होगा, ये फंक्शनलिटी मतलब इनपुट डेटा वाला करना है, हमें डेटा की इनपुट स्टार्ट करनी है। तो डेटा इनपुट कैसे करेंगे बताइए? जब डेटा इनपुट करना है तो क्या होगा कि डेटा को अलग अलग वैल्यूज इनसे यूजर से हम पूछेंगे, जो स्टूडेंट है उससे पूछेंगे कि क्या डेटा की क्या वैल्यूज है। सपोज नेम उसका हो गया, अब हम एक स्टूडेंट इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्या नाम रहेगा स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके जो बेसिक मॉडल है, जिस मॉडल पे ये बनेगा वो यही होगा, इसमें यही सारे डेटा मेंबर्स रहेंगे और यही फंक्शंस रहेंगे उसके, मतलब यही मेथड्स रहेंगे उनमें, यही फंक्शनैलिटीज रहेंगी जिससे हम उन डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाएं। तो अब ऑब्जेक्ट बन गया, सपोज इस ऑब्जेक्ट का नाम है, सपोज हम इसका नाम रख दिए रमेश, ठीक है। अब रमेश ऑब्जेक्ट का नाम है, मतलब कि क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट का जो नाम होगा वहां से हम रख दिए, ये स्टूडेंट का जो नाम है वहां पे हम ऑब्जेक्ट का रख दिए। या इसको और बेटर थोड़ा करना हो तो ऑब्जेक्ट का नाम हम क्या रख सकते हैं, स्टूडेंट वन,
सपोज हमारा एक स्टूडेंट आया है क्लास में और उसका स्टूडेंट वन उसका ऑब्जेक्ट है। अब इसके डेटा अब वैल्यूज जो है उनके एंटर करना होगा इनपुट डेटा के थ्रू। अब इनपुट डेटा हम जाएंगे मतलब हम ये वाला फंक्शन जो है इसको यूज कर रहे हैं, ये वाली जो फंक्शनैलिटी है वो अब इसकी पर्पज में आ गई है, इसकी काम में आ गई है। याद रखिए जो मेथड्स हैं वो किस लिए होते हैं, वो मेथड्स का काम सिर्फ एक होता है इन डेटा मेंबर्स को एक्सेसिबल बनाना, मतलब इन डेटा मेंबर्स को बाहर लोगों को एक्सेस देना। जो प्रोग्रामर है या जो भी यूजर है उसको इन डेटा मेंबर्स की वैल्यूज को एक्सेस करना, मतलब उसको रीड करे वैल्यूज को और उसको इनपुट करे वहां से यूजर से। तो अब इनपुट वाला काम स्टार्ट हो गया। हमने नेम क्या हो गया, नेम की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, सपोज नेम हो गया अमन, नेम हो गया उसका। दूसरा क्या था, फादर्स नेम, फादर्स नेम इसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, पहला हो गया नेम अमन, इसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, सपोज रमेश रख देते हैं। तीसरी एट्रीब्यूट हमारी क्या है यहाँ पे, रोल नंबर। अब रोल नंबर तो जनरेटेड तो होगा स्कूल की तरफ से ही, कॉलेज की तरफ से ही, कितने स्टूडेंट्स है उसमें। लेकिन सपोज स्टूडेंट जो जनरेशन है वो हो गया है तो स्टूडेंट का रोल नंबर मान लीजिए हमारा वन है, रोल नंबर हमारा जो क्या है स्टूडेंट का वन है। और क्या है, डेट ऑफ बर्थ, सपोज सपोज ये है हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है। एडमिशन की डेट क्या है, सेकेंड मार्च 2021, ये हमारी जो है उसकी स्टूडेंट की जो डेटा है हमारा आके यहाँ पे सेव हो गया। हमारे पास नेम आ गया, फादर्स नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया और जो डेट ऑफ एडमिशन है वो भी आ गया। अब ये डेटा हमारे पास आ गया तो ये हमारा क्या बन गया, ये जो स्टूडेंट वन है ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारा बन के तैयार हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सपोज एक और स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास, सपोज एक और स्टूडेंट आ रहा है उसकी भी डेटा सेव करनी है हमको। ये हो गया हमारा स्टूडेंट टू रहेगा, ठीक है। और इसकी डेटा वैल्यूज क्या रहेंगी, पहला क्या रहेगा, सबसे पहला जो हमारा यहां से है सबसे पहला क्या रहेगा उसका नेम, नेम में क्या रखेंगे, सपोज हमने नेम रख दिया राहुल, राहुल हो गया नेम। दूसरा क्या था, फादर्स नेम राकेश। इमेजिनरी वैल्यूज हम पुट करके एक बेसिक मॉडल समझाएंगे अभी कि आखिर में क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। तीसरा वैल्यू है रोल नंबर, रोल नंबर इसका टू रख देते हैं हम। डेट ऑफ बर्थ क्या है, सपोज 2 जनवरी है, 2 जनवरी 2005। और क्या है, डेट ऑफ एडमिशन मान लीजिए इसका 3 मार्च को हो गया, आसपास में एडमिशन हो गया तीनों का, दोनों स्टूडेंट्स का। अब देखिए ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट्स बनके तैयार हो गए हैं, कौन कौन से, एक ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट वन है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इसका नाम है हमारा स्टूडेंट टू। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट और क्लास का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट जैसे हमने कहा कि जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसमें ऑब्जेक्ट और क्लास के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो पहला हमारा क्लास था और दूसरा क्या था, ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस। ये क्लास हमारा जो हमने बेसिक मॉडल एक तैयार किया कि मतलब उसका नाम होगा, फादर्स नेम होगा, क्लास ऑफ स्टडी होगा, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एडमिशन, और उनके सारे मेथड्स होंगे जिससे हम इन डेटा वैल्यूज को यूज करेंगे, एक्सेस करेंगे। उसके इन जो डेटा वैल्यूज हैं इनको इनपुट करेंगे, सेव करेंगे डेटाबेस में, डेटाबेस से रिट्रीव करेंगे और फिर से यूजर को आउटपुट करेंगे। तो ये हमारा जो बना, ये हमारा एक बेसिक मॉडल बना, जो बेसिक मॉडल यानी जो ब्लूप्रिंट बना, जिसके हिसाब से अब इसी पर बेस्ड हम देखिए अलग अलग एट्रीब्यूट्स, जो इसके एट्रीब्यूट्स थे यहाँ पे, नेम को एक वैल्यू थी अमन, इसमें फादर्स नेम को कुछ वैल्यू थी, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एडमिशन। यहाँ पे देखिए इसमें जो नेम है राहुल है, फादर्स नेम राकेश है, रोल नंबर टू है,
2nd जैन 2005 इसका एडमिशन डेट ऑफ बर्थ है और 3rd मार्च 2021 इसका डेट ऑफ एडमिशन है। एक फील्ड हमारी छूट गई यहाँ पे कि क्लास ऑफ स्टडी, एक फील्ड हमारी यहाँ पे छूट गई फादर्स नेम है क्लास ऑफ स्टडी। सपोज क्लास ऑफ स्टडीज की जो है इस स्टूडेंट की जो क्लास है जिस क्लास में स्टडी कर रहा है ये क्लास मान लीजिए 10th है सपोज, और इसकी क्लास ऑफ स्टडी क्या है इसकी भी मान लीजिए 10th है। अब देखिए यहाँ पे एक ही जो मॉडल हमारा है वो बेसिक एक ही मॉडल है, जो मॉडल हमारा है वो बेसिकली एक ही है। कौन सा मॉडल है? इस स्टूडेंट वाला, मतलब इसके भी ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं और इसमें भी वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बस अंतर क्या है दोनों में कि इसमें उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज अलग हैं और इसमें उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू अलग है। तो यही हुआ कि ये बेसिक मॉडल को यूज करके हमने दो अलग अलग एंटिटीज बना ली और इस बेसिक मॉडल को हमने कहा क्लास है, मतलब जो बेसिक ब्लूप्रिंट है, और ये जो अलग अलग एंटिटीज बनके तैयार हुई जिनकी वैल्यूज का वैल्यूज तो अलग अलग हैं लेकिन जो बेसिक वो स्केलेटन है वो वही क्लास वाला है। ये क्या हो गए? इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स। और यही डिफरेंस होता है क्लास और ऑब्जेक्ट में। क्लास क्या है? वो जो बेसिक ब्लूप्रिंट है सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाने का, और ऑब्जेक्ट क्या है? कोई ऐसी एंटिटी जो भी जिसकी कुछ एट्रीब्यूट्स हों और कुछ उसमें मेथड, कुछ की फंक्शनैलिटीज हों, कुछ बिहेवियर्स हों, कुछ एट्रीब्यूट्स हों उसके, यानी कुछ उसमें डेटा मेंबर्स रहेंगे, और कुछ उसके बिहेवियर्स हों यानी कुछ उसमें मेथड्स रहेंगे। यही हमारा ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पूरा जो फोकस होता है वो यही होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट से, अगर आपको किसी भी एंटिटी से डील करना है, कैलकुलेटर हुआ, स्टूडेंट हुआ, अगर ऐसे मान लीजिए टीचर्स का जो डेटा है पूरा स्टोर करने का है टीचर्स के लिए हुआ, या जो बाकी उसमें जो बाकी अदर वर्किंग स्टाफ हैं उनका डेटा स्टोर करना है, कितनी बसेस चल रही हैं, कितनी और वैंस चल रही हैं स्कूल में, इस सब को स्टोर करने के लिए अगर हमें कुछ चाहिए मॉडल तो वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में एक क्लास ही बनाएंगे। एक बस जो व्हीकल्स होंगे व्हीकल्स के लिए एक क्लास बनाएंगे, जो टीचर्स होंगे टीचर्स के लिए एक क्लास बनाएंगे। बस क्या होगा, जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो उनमें हर ऑब्जेक्ट के लिए उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो क्या हम इसको जनरल, अगर जो पूरा हमने अभी तो स्पेसिफिकली वैल्यूज लिख दी हैं, अगर हम इसको जनरल लिखें, जनरल तरीके से लिखें, तो कैसे लिख सकते हैं? ये जो क्लास होती है ये क्लास है, और ये क्लास क्या है? जो बेसिक ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट समझते ना, ब्लूप्रिंट मतलब वो जो बेसिक स्केलेटन है, जो बेसिक एक ओवरऑल जो पूरा तरीका बना दिया गया है कि ये पूरा है, इसमें ये एट्रीब्यूट्स रहेंगे, उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ये बेसिक हमारा ब्लूप्रिंट है जो क्लास है, और इसमें जब अलग अलग एट्रीब्यूट्स को अलग अलग वैल्यूज दे करके हम नए नए जब इसमें क्या रहेंगे एट्रीब्यूट्स रहेंगे, एट्रीब्यूट्स रहेंगे और क्या रहेंगे फंक्शंस रहेंगे। फंक्शंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात ही कर रहे हैं तो हम उसकी भाषा में लिखते हैं फंक्शंस को क्या बोलते हैं, क्लास के जो एट्रीब्यूट्स होंगे, एक तो एट्रीब्यूट्स होंगे और दूसरे क्या होंगे बिहेवियर्स, ये उस ब्लूप्रिंट पे हम बेसिक डिफाइन करेंगे क्लास वाले ब्लूप्रिंट में। और जब हम इस ब्लूप्रिंट का यूज करके अलग अलग एट्रीब्यूट्स को अलग अलग वैल्यूज दे करके जब अलग अलग एंटिटीज तैयार कर लेंगे तो उन एंटिटीज को क्या कहेंगे ऑब्जेक्ट्स। ये कुछ ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है OB1, ये एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया एक OB2, एक और ऑब्जेक्ट सपोज हमने बना लिया, क्या नाम दे दिया उसका OB3, क्या नाम दे दिया हमने इसका OB3। अब इसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे इसके पास भी क्या होंगे एट्रीब्यूट्स होंगे कुछ, और इसके में भी बिहेवियर्स होंगे, सेम इसमें भी और बिहेवियर्स, और सेम जो है इस ऑब्जेक्ट में भी रहेंगे, एट्रीब्यूट्स रहेंगे और बिहेवियर्स रहेंगे। बस अंतर क्या रहेगा कि इसमें जो एट्रीब्यूट्स रहेंगे और इन दोनों बाकी जो में एट्रीब्यूट्स हैं वो सब में अपने अपने अलग एट्रीब्यूट्स हैं,
तो ये बेसिक मॉडल जो हुआ, बेसिक मॉडल बना करके हमने उससे डिफरेंट अलग अलग एंटिटीज बना ली, मतलब उनको अलग अलग एट्रीब्यूट्स को अलग अलग वैल्यूज दे दी, और उसके हिसाब से फंक्शनैलिटीज भी अलग हो गई। देखिए हमें फंक्शनैलिटी जैसे पिछले एग्जाम्पल में जो हमने दिया था, इसमें जो फंक्शनैलिटी हमारी थी, हमने जो फंक्शनैलिटीज डिफाइन की थी क्या था, इनपुट डेटा, सेव डेटा टू डेटाबेस, रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस, और शो डेटा यानी आउटपुट करना डेटा को। अब ये फंक्शनैलिटीज भी हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट हो जाएंगे, इनका काम तो वही है, बेसिक जो वैल्यू हो वही है, यूजर को इनपुट लेना, यूजर से आउटपुट देना, सेव करना डेटा को और रिट्रीव करना डेटा को। लेकिन इनका अलग कैसे हो जाएगा, सपोज जब इसके लिए जब हम इस फंक्शन को यूज करेंगे, मतलब जब ये फंक्शनैलिटी इनपुट वाली होगी इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट वन के लिए, तो वहां पे नेम में क्या इनपुट होगा, अमन, रमेश, 10th 1, ये डेट और ये डेट। और जब वही इनपुट वाला बिहेवियर इसमें हम अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें जो एट्रीब्यूट्स में अलग हैं, तो मतलब एट्रीब्यूट्स के हिसाब से जो फंक्शंस हैं, जो मेथड्स हैं, जो बिहेवियर्स हैं उनके, वो भी अलग अलग हो जाते हैं। अगर दो आदमी हैं, अगर मान लीजिए दो हम जो एक ह्यूमन का एक क्लास बनाते हैं, मैन का क्लास एक बना देते हैं, और उससे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, मैन वन मैन टू, एक आदमी है दूसरा आदमी है। सपोज एक है वो बहुत तेज दौड़ता है, जो रनिंग स्पीड मान लीजिए है एक की 10 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी की 15 किलोमीटर पर आवर है। अब जब उसके जो बिहेवियर्स होंगे, बिहेवियर क्या होंगे दोनों के, रनिंग का एक बिहेवियर होगा जो दोनों में कॉमन होगा, रनिंग का। अब उसकी स्पीड 10 है और दूसरे की स्पीड 15 है, तो एट्रीब्यूट्स तो अलग हो गए, और उसी के हिसाब से जो रनिंग का बिहेवियर होगा वो भी अलग हो जाएगा। ये जब रन करेगा जो पहला वाला, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन करेगा, और जब दूसरा रन करेगा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन करेगा। तो ये एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, यानी जो डेटा मेंबर्स होते हैं, उनके हिसाब से उसकी बिहेवियर्स यानी मेथड्स कैसे काम कर रहे हैं वो भी अलग हो जाते हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि अगर क्लास एक ब्लूप्रिंट है तो उसमें हम अलग अलग एट्रीब्यूट्स को अलग अलग वैल्यूज देकर अलग अलग एंटिटीज बना सकते हैं, और उन एंटिटीज को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स। ये तीनों क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं। ये तीनों क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो बेसिक तरीका होता है, ये क्लास होती है जो पूरा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, और उसी से हम यूज करके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। तो आई होप कि अब ये दोनों जो पॉइंट्स हैं आपको ये क्लियर हो गए होंगे कि क्लास क्या होती है और क्लास के ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं। ये दोनों बेसिक हैं, जो मेन कहते हैं सोल होती है वो ये दोनों हैं। अब इन्हीं को यूज करके हमें बाकी चार को स्टडी करेंगे कि बाकी चार प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे सामने जो आती है वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन की। डेटा एब्स्ट्रैक्शन ये क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन जानने से पहले, डेटा तो आपको पता ही है, वैल्यूज होती हैं जो कि हमें कुछ यूज होता है जिनका, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका हमारे लिए कुछ यूज हो, कुछ उसका हम उसको प्रोसेस कर सकें, उसको जैसे स्टूडेंट का डेटा था उसको हम सेव कर सकते हैं अपने फाइल में, उसको रिट्रीव कर सकते हैं, और जब होगा, जब हमें यूज होगा तो उन इस डेटाबेस से हम उन वैल्यूज को लेकर के हम जो भी स्टूडेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो उन डेटा को, अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या, वो डेटा क्लियर है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, सबसे पहले वर्ड समझते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या है। ये जो वर्ड है एब्स्ट्रैक्शन, शायद आपने ये वर्ड नहीं सुन के आपने ये वर्ड सुना होगा यहाँ तक, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। क्या होता है कि आपको एक लंबा सा पैसेज दे दिया जाता है और कहते हैं इसका 100 वर्ड्स में एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक समरी लिखनी होती है, और वही चीज़ है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है, जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो रियल उसका डेफिनेशन है वो ये होता है कि हम जो यूज़र है या कोई भी यूज़र, कोई भी थर्ड पर्सन है, उसको केवल उतना ही वैल्यूज दें, उसको केवल उतनी ही इन्फॉर्मेशन दें जितना उसका काम है, जितना उसको यूज है, बाकी इन्फॉर्मेशन को हम हाइड करके रख दें जिससे उनका कोई यूज ना हो। सेम ये रियल वर्ल्ड में होता है। आपको मैं एग्जांपल दूं, ये हमारा जो स्क्रीन है ये वर्क कर रहा है, मैं इस पर क्या करता हूँ, ऐसे पेन चलाता हूँ, तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का जो शेप में, जिस शेप में पेन चलता है उस शेप यहाँ पर बन जाता है। क्या हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये शेप कैसे बन रहा है अंदर, या अंदर से करंट कैसे पास हो रहा है, कैसे उनमें
क्या प्रोग्रामिंग हुई है तब ये शेप बन रहा है। कोई काम है हमारे लिए? कोई काम नहीं है। हमें बस क्या जानना है कि हमारे पास एक ऐसा जो पेन है वो होना चाहिए, और उसके बाद इस स्क्रीन पर रख के हम जिस भी शेप में इसको घुमाएंगे उस शेप में जो भी कलर चाहें, हम सपोज यहाँ पे ग्रीन कलर चाहें तो जिस शेप में हम चाहेंगे उस शेप में और जो कलर चाहेंगे वो कलर में हम लिख सकते हैं। अब यहीं पे हमारा ये लाइव एग्जांपल एक है एब्स्ट्रैक्शन का। एब्स्ट्रैक्शन में क्या हुआ कि इसमें प्रॉपर्टीज तो इसकी बहुत सारी हैं, मतलब अगर इसको हम पूरा स्टडी करें तो बहुत प्रॉपर्टीज हैं। कैसे इसमें स्क्रीन बनाई गई है, किस मटेरियल की बनाई गई है, कैसे इसमें करंट का फ्लो होता है, क्या प्रोग्रामिंग हुई है, और ये हार्डवेयर कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं कि पेन जैसे हम इस पे रखते हैं इस पे शेप बन के आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे जानना क्या है, हमें बस केवल इतना जानना है कि हम इसको ऑन करेंगे, बटन दबा करके वहां से स्विच ऑन करेंगे, उसके बाद हम पेन से जिस भी शेप में लिखेंगे वो शेप हमारा बनता चला जाएगा। जो भी शेप हम बनाएंगे वो शेप हमारा बनता चला जाएगा। यही है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। ऐसे हमारा एक और एग्जाम्पल दें, जैसे जो स्विच बोर्ड है हमारा, जैसे हमने कहा कि इसको स्विच ऑन करेंगे, जो हमारा स्विच बोर्ड होता है, स्विचेस जब बनी होती हैं उनमें अलग अलग, ये सपोज स्विच बोर्ड है, इसमें अलग अलग स्विचेस बनी होती हैं, कई सारी, मान लीजिए 3 स्विचेस यहाँ पे लगी हैं, ये स्विचेस हैं। अब अगर हम यहाँ पे और ये एक बल्ब लगा है, सपोज एक बल्ब यहाँ पे लगा है दीवार में जाकर के, इंटरनली उसकी वायरिंग भी हुई है बल्ब की, और यहाँ पे बल्ब दीवार में फिट है। अब यहाँ क्या करते हैं हम, जैसे ये स्विच को प्रेस करेंगे, ये स्विच को जैसे ऑन करेंगे वो बल्ब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो क्या हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कैसे अंदर वायरिंग हुई है? वायरिंग तो हुई होगी, ये स्विच अंदर से एक पर्टिकुलर मटेरियल का बना होगा, एक पर्टिकुलर उसका शेप होगा, जो शेप में जब हम प्रेस करते होंगे तो कुछ ऐसा होता होगा कि करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमने उस जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें बस इतना जानना है कि हम इस स्विच को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो बल्ब ऑटोमेटिकली वहाँ ऑन हो जाएगा। ये भी है एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल। मतलब कि यूज़र को, हम यूज़र हैं तो हमको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो केवल उतनी ही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जितना हमें काम है। बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन अंदर उसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, वो हमसे छुपा दी जा रही है, इसी को कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अप्रोच में अब इसको समझते हैं। ये तो हमारा रियल वर्ल्ड का हो गया, और प्रोग्रामिंग क्या है? रियल वर्ल्ड को ही सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करने का तरीका, मतलब उसको हम सॉफ्टवेयर में, जब सॉफ्टवेयर में रियल वर्ल्ड को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो फोकस यही करता है कि आप रियल वर्ल्ड की तरह ही अपनी प्रोग्रामिंग को भी रखिए। तो इसमें भी क्या करते हैं, सपोज हमारा क्लास है, एक क्लास हमारा है स्टूडेंट, एक स्टूडेंट क्लास था हमारा पिछले एग्जाम्पल में, उसमें अलग अलग मेथड्स थे। अब जब यूजर को कोई काम करना है, देखिए एब्स्ट्रैक्शन कैसे यहाँ पे काम आ रहा है, यूजर को जब कोई काम करना है तो क्या करेगा, सीधा अपने इनपुट वाला काम करेगा कि इनपुट वाले फंक्शन को कॉल करेगा कि इनपुट हमें कराना है, और वो फंक्शन क्या करेगा, सीधा यूजर से पूछेगा एंटर नेम, एंटर फादर्स नेम और बाकी डिटेल्स लेकर के सीधा उनको सेव कर देगा। क्या हमें वहाँ पे ये बताने की ज़रूरत है कि हम कैसे वहाँ पे डेटा, उसको डेटा रीड कर रहे हैं कीबोर्ड से, कैसे हम उसको डेटाबेस में जा करके सेव कर रहे हैं, और जैसे आउटपुट वाला फंक्शन जब कॉल होगा तो यूजर तो कितना जान रहा है कि मैं सिर्फ आउटपुट वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आउटपुट उससे मांग रहा हूँ। उसको क्या जानने की ज़रूरत है कि वो डेटा कैसे डेटाबेस में सेव है और डेटाबेस से वो कैसे रिट्रीव होके आ रहा है, कैसे स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन, जो हमें जानने की ज़रूरत है, केवल उतनी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने शो हो रही है, बाकी इन्फॉर्मेशन हमसे हिडन है। जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है जिसका हमें कोई यूज़ नहीं है वो हमसे हिडन है। ये एक प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो इस अगर डेटा एब्स्ट्रैक्शन को हम लिखना चाहें, एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी देना चाहें डेटा एब्स्ट्रैक्शन की, तो क्या होगी डेफिनेशन, क्या होगी किसकी, डेटा एब्स्ट्रैक्शन की। अगर जनरल एक आसान सी भाषा में अगर बोलना चाहें, क्या बोलेंगे कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, या ये सेंटेंस को आप ध्यान रखिए, एंड शोइंग ओनली यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड hiding other
complex details. अब यहां पे और ये जो लाइन लिखी है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है, ये हाइडिंग, मतलब कि जो डेटा है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, जो भी क्लास है, उसकी केवल यूजफुल इंफॉर्मेशन शो करना यूजर को, मतलब जितना यूजर को यूज है, जितना काम है उसके लिए, केवल वो शो करना और बाकी डिटेल्स को हाइड कर देना। बाकी जो अदर कॉम्प्लेक्स है, जरूरी कॉम्प्लेक्स हो, ये कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे लिखा है ये जरूरी नहीं कि कॉम्प्लेक्स हो, ये कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। जैसे इनपुट फंक्शन, अगर इनपुट कर रहा है तो कैसे इनपुट कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, आप सिंपल लाइब्रेरीज देख रहे हैं कैसे फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए यूज़ की काम नहीं है। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स को हम ब्रैकेट में ले सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कॉम्प्लेक्स ही हो, लेकिन जो भी ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमारे यूज़ की नहीं है, उसको जब हम हाइड कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये आपको और क्लियर तब होगा जब प्रोग्रामिंग में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगला पॉइंट क्या था, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल का नाम सुना है अगर, तो आपको इनकैप्सुलेशन भी इजीली समझ में आ जाएगा। इनकैप्सुलेशन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये फीचर क्या कहता है कि जो डेटा मेंबर्स हैं और जो मेंबर फंक्शंस हैं एक ऑब्जेक्ट के, एक क्लास के, यानी कि जो एट्रीब्यूट्स हैं और जो बिहेवियर्स हैं, उनको हम कैप्सूल में कर दें। कैप्सूल कैसे होता है कि एक कैप्सूल जो होता है, जो दवा होती है, जो लिटरल एक कैप्सूल की हम बात कर रहे हैं, जो कैप्सूल एक होता है वो कैसे एक इस शेप का होता है और यहाँ बीच में पार्टीशन होता है, और क्या करता है ये प्लास्टिक के, जो प्लास्टिक के मेम्ब्रेन होते हैं, प्लास्टिक या कुछ मटेरियल होगा जो डाइजेस्टेबल होता है, और इस मटेरियल को, इस मटेरियल के दो पार्ट्स होते हैं, उनको निकाल करके, उनको खोल करके, उनके अंदर जो दवा होती है, जो भी मेडिसिन होती हैं, जो पाउडर फॉर्म में होती हैं या बॉल्स छोटी छोटी गोलियों के फॉर्म में होती हैं, उनको रख करके उनको आपस में बंद कर दिया जाता है। मतलब क्या है कि उसमें अलग अलग, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो उस कैप्सूल में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पड़े हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें पड़े हैं, लेकिन हमें उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मतलब ही नहीं है कि उनमें क्या क्या है, हमें सिर्फ क्या है कि ये इस काम में आएगी। हमें पता है ये जो कैप्सूल है ये सपोज पेट दर्द के लिए या सिर दर्द के लिए इस काम में आएगी, और उस कैप्सूल को हम सीधा पूरा एज अ सिंगल एंटिटी मान करके इनटेक करते हैं और वो अपना काम करता है अंदर जाके। तो मतलब यही है, इनकैप्सुलेशन का भी मतलब यही है कि जब हम एक क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर में हमारी बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है, कि मतलब उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं और क्या क्या उसमें मेथड्स हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स उसमें लगे हैं और फिर मेथड्स क्या क्या लगे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर में, लेकिन हमें क्या पूरा जानने की ज़रूरत है। तो इनको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कर दिया जाता है, मतलब हमसे क्या, हमें क्या किया जाता है कि इस पूरे को, इस पूरे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके बिहेवियर्स जो हैं उनको एक सिंगल एंटिटी में कवर कर दिया जाता है। उसी एंटिटी को क्या बोलते हैं, पूरे को क्लास, मतलब वही जो बेसिक मॉडल हमारा बना के चलते हैं हम, कि एक क्लास जो है वो बेसिक मॉडल है, ब्लूप्रिंट है, उसी ब्लूप्रिंट को हम एज अ सिंगल एंटिटी मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा, इन जो क्लास से हमारा जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो हमारी एक सिंगल एंटिटी है, उसके अंदर कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, कई सारे बिहेवियर्स हैं उसके, कई सारे मेथड्स हैं उसमें, कई सारे वेरिएबल्स उसमें स्टोर्ड हैं, लेकिन हम उसको एज अ सिंगल एंटिटी मान के चलते हैं, और इसी को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। मतलब कि जो सारे डेटा मेंबर्स हैं और उन पे काम करने वाले जो मेंबर फंक्शंस हैं, मतलब जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनके जो बिहेवियर्स हैं, उनको कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बनाना। तो क्या है, अगर इसको हम लिखें, इसे इरेज कर देते हैं, तो इनकैप्सुलेशन क्या होगा, कंबाइनिंग ऑल डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर्स, और उनको मेंबर फंक्शंस, या और अगर प्रिसाइजली कहें तो इनको क्या बोलते हैं, मेथड्स। अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा है, मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट।
मतलब कि जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं और जो उनके मेंबर फंक्शंस हैं उनको सिर्फ एक सिंगल एंटिटी में कंबाइन कर देना, उसको क्या कहेंगे उस सिंगल एंटिटी को, ये जो एंटिटी है अ सिंगल यूनिट, ये जो सिंगल यूनिट है उसको क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट, मतलब वही जो डेटा मेंबर्स हमारे हैं, जो फंक्शंस हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनको कंबाइन करके हम एक ऑब्जेक्ट बना दिए। ये था हमारा एनकैप्सुलेशन का। अब हमारा जो है दूसरा देखते हैं कि उससे इनकैप्सुलेशन के बाद क्या था। इनकैप्सुलेशन हो गया इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो अब नाम सुना ही होगा आपने, एक वर्ड है इंग्लिश का। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, इनहेरिट करना मतलब वंशानुगत कोई चीज़ों को लाना, जैसे कि जो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, जो एक पेरेंट में होती हैं, एक आदमी होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उसके जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे कि क्या होता है, अगर एक आदमी है, अगर एक आदमी है और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब दो आँखें हैं, एक नाक है, एक मुँह है, दो कान हैं, हाथ है, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, और जब इसके जो बच्चे होते हैं, जो इनके चिल्ड्रन होते हैं, उनके अंदर क्या होगी, सेम प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर चली जाएंगी। हमें उसके लिए कोई अलग से कुछ मैन्युअली काम नहीं करना है, कुछ प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, सिंपली अगर उसके जो चिल्ड्रन होंगे तो वो अपने आप उन वैल्यूज़ को इनहेरिट कर लेंगे। मतलब कि अगर इनके सपोज इसके दो बच्चे हैं तो उनके अंदर भी वो प्रॉपर्टीज़, दो पैर, दो हाथ, आँख और मुँह की प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगी, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब कि जब एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दूसरे ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली आ जाए इनहेरिट करके, तो उसे क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी को, इनहेरिटेंस। अब प्रोग्रामिंग के लिए उसके टर्म्स में इसको समझते हैं। प्रोग्रामिंग के टर्म्स में क्या होता है कि हमने एक क्लास बना दी, सपोज हमने एक क्लास बना दी स्टूडेंट एक क्लास है, ये एक क्लास है, अब ये स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी, अगर एक दूसरा हम क्लास बना दें कि इसका अगर हम बना दें कि 10th स्टैंडर्ड क्लास, या स्टूडेंट का जमा दें क्लास 10 स्टूडेंट्स, ये भी एक क्लास है। अब देखिए एक स्टूडेंट क्लास थी, स्टूडेंट क्लास वही पुरानी वाली में इमेजिन कर सकते हैं कि जिसमें नेम होगा, फादर्स नेम होगा और क्लास ऑफ स्टडी होगी, बाकी जो उसके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ पोजिशन, ये डिटेल्स होंगी। अब हम अगर दूसरी क्लास बना देते हैं क्लास 10 स्टूडेंट्स, और उसको हम ये किसी तरह से जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में अगर ये प्रोग्रामिंग में ये क्लास इसको इनहेरिट कर रही है, मतलब इसकी जो डेटा वैल्यूज़ हैं, ये एरो यहाँ पे क्या दिखाएगी फिलहाल के लिए, कि जो डेटा वैल्यूज़ उसकी हैं, जो उसके फंक्शंस हैं, वो ऑटोमेटिकली इस क्लास में भी आ जाएंगे। तो इनहेरिटेंस का फायदा क्या होता है कि हम अगर दो क्लास बनाते हैं, सपोज एक क्लास हमने बनाई व्हीकल नाम की एक क्लास बनाई, जिसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि उसमें व्हीकल का कुछ टाइप होगा, उसका एक नंबर होगा और कुछ फ्यूल किट उसकी कैपेसिटी होगी, टायर्स के कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगे, इंजन की कुछ स्पेसिफिकेशन होंगी, कितना उसका पावर है, और उस व्हीकल क्लास को हमने एक्सटेंड कर दिया, मतलब उसको इनहेरिट कर लिया एक दूसरी क्लास में, प्रोग्रामिंग के उसमें, प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि व्हीकल क्लास को हमने कर दिया फोर व्हीलर। अब व्हीकल में जो सिक्स व्हीलर हैं वो भी आते हैं, टू व्हीलर हैं वो भी आते हैं, और फोर व्हीलर हैं वो भी आएंगे। तो अगर हम फोर व्हीलर एक क्लास बना देते हैं, एक क्लास हमारी जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये है, दूसरे एग्जाम्पल हम क्या दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं कि एक क्लास है व्हीकल और दूसरी क्लास क्या है जो इसको इनहेरिट कर रही है, वो कौन सी है, फोर व्हीलर व्हीकल। अब ये भी एक क्लास है और ये भी एक क्लास है, लेकिन क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये क्लास जो फोर व्हीलर क्लास है, ये व्हील जो फोर व्हीलर व्हीकल क्लास है, ये व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर रही है, मतलब कि इस व्हीकल क्लास में जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, जो भी इसके एट्रीब्यूट्स होंगे और जो भी उसके बिहेवियर्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली इस जो दूसरी क्लास है
जो व्हीकल क्लास है, फोर व्हीलर व्हीकल क्लास है, उसमें आ जाएंगे। और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनहेरिटेंस। जैसे एक पेरेंट से उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसके बच्चों में चली जाती हैं, उसके चिल्ड्रन में चली जाती हैं ऑटोमेटिकली इनहेरिटेंस के थ्रू। वैसे ही जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग में जो इनहेरिटेंस होता है उसमें भी सेम होता है कि जो पेरेंट वाली क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में चली जाती हैं। तो इस जो अपर वाली क्लास होती है, मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास मतलब इसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट होंगी, और किसमें इनहेरिट होंगी, इस क्लास को क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास तो ये पेरेंट क्लास है व्हीकल जो है, जो मेन क्लास है व्हीकल की। और जो फोर व्हीलर व्हीकल है, जो इसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है इनहेरिटेंस के थ्रू, उसको क्या बोलेंगे हम, चाइल्ड क्लास। तो ये हुआ हमारा इनहेरिटेंस का, मतलब कि जब एक क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की, अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी, इनहेरिटेंस की। अगर हम इनहेरिटेंस की एक लाइन में अगर डेफिनेशन लिखना चाहें, इनहेरिटेंस की, तो क्या डेफिनेशन होगी वो, acquiring the properties of parent class, मतलब जो पेरेंट है उसका, जो पेरेंट क्लास है, जो मेन क्लास है, उसकी प्रॉपर्टीज को by child class। तो simply जो इसका definition है, जो इसका मतलब हो क्या है कि जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज जो चाइल्ड क्लास एक्वायर कर लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस, इसी प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, कि उसकी जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज होंगी वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट करने पर चाइल्ड क्लास में आ जाएंगी। और अब इनहेरिटेंस भी हमारा हो गया, और अब क्या बचा था, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आ गया सारे इनमें जो है, जब बेसिक ऊप जो होती है यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब। अभी आप जो एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, पूरा चैप्टर आपको होगा आगे चल के, कि ये पूरा आपको पूरा क्लियरली पढ़ना पड़ेगा, इनहेरिटेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हम यूज़ करते हैं तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम उसके सिंटैक्सेस लिखते हैं, कि एक ऑब्जेक्ट की क्लास, एक क्लास की प्रॉपर्टी अपने आप दूसरे क्लास में आ जाती है, और अगर दूसरे क्लास में आ जाती है तो उसको हम फिर यूज़ कैसे करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे वो जो फीचर्स हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है, जो कि जावा में सपोर्टेड है, जिनके वजह से जावा इन सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज को अपने अंदर फॉलो करती हैं, और उसी की वजह से ये जो पॉपुलैरिटी है जावा की और भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये जो बाकी प्रोग्रामिंग होती इसीलिए है कि रियल वर्ल्ड की चीज़ों को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सेस कर सकें, प्रोग्रामिंग के थ्रू उनको रिप्रेजेंट कर सकें। और चूंकि जावा रियल वर्ल्ड को, अभी आपने देखा इनहेरिटेंस एक प्रॉपर्टी जो कि रियल वर्ल्ड में ही होती है, जो लिविंग एनिमल्स होते हैं, लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ही होती है, कि जो प्रॉपर्टीज उनकी होती हैं उनके बच्चों में भी चली जाती हैं। उस प्रॉपर्टीज़ को, इतनी रियलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को भी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में, प्रोग्रामिंग के टर्म्स में हमने इंक्लूड कर दिया। इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एकदम रियल वर्ल्ड की प्रोग्रामिंग समझ सकते हैं, कि रियल वर्ल्ड से सीधा उठा के सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में आ जाती है। तो अब उसी लाइन में हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, पॉलीमॉर्फिज्म पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक और उसका इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? तो पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, अभी आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, जैसे ही वर्ड को तोड़ेंगे आपको वर्ड क्लियर हो जाएगा इसकी मीनिंग। पॉली और मॉर्फिज्म, क्या वर्ड है ये, प्लस मॉर्फिज्म यानी मॉर्फ, पॉली और मॉर्फ से मिलके बना है, और दोनों को कंबाइन करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे जेन को, जो जेन कम्युनिटी है उसको जो फॉलो करते हैं, उन उस फॉलो करने को क्या बोलते हैं, जेनिज्म। उस धर्म को क्या बोलते हैं, जेनिज्म। हिंदू धर्म को क्या बोलते हैं, हिंदुइज्म। वैसे ही पॉली और मॉर्फ को मिलकर जो बनता है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं
पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का जो इंग्लिश मतलब होता है मेनी, कई सारे, पॉली का मतलब कई सारे। और मॉर्फ का मतलब क्या होता है, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स, मतलब कि अगर किसी चीज में इन्हीं वर्ड से जो तोड़ दिए हमने उसी से हमें क्लियर हो रहा है कि अगर किसी चीज के मेनी फॉर्म्स यानी कई सारे फॉर्म्स हैं तो हम क्या कहेंगे, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर है। अब ये मेनी फॉर्म्स का क्या होता है, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मेनी फॉर्म्स का ये मतलब होता है, जैसे हमने स्टूडेंट क्लास भी बनाई थी, स्टूडेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक इंसान, एक लड़का होगा, सपोज एक लड़का है जो कि स्टूडेंट है। अब जब तक वो स्कूल में है तब तक वो क्या है, एक स्टूडेंट है। जैसे ही वो अपने घर पे जाएगा वो स्टूडेंट वहाँ पे नहीं रहेगा, स्टूडेंट वहाँ पे उसको एज अ स्टूडेंट नहीं देखा जाएगा, वहाँ पे उसको एज अ सिंपल चाइल्ड देखा जाएगा, एक किसी का वो बेटा होगा, किसी का सन होगा, किसी का, किसी के लिए से उसके जो पेरेंट्स हैं उसके लिए एक उनके सन होगा, उनकी जो सपोज अगर उसकी एक छोटी सिस्टर है तो उसके लिए उसका ब्रदर होगा, या अगर सपोज उसके फ्रेंड्स हैं अलग तो उसके लिए उनका फ्रेंड होगा। अब देखिए वो एंटिटी तो एक ही है, जो एंटिटी है वो तो पूरी एक ही है, पूरी पूरी एंटिटी जो है वो एक ही, ये पूरा एक स्टूडेंट है, एक लड़का है सपोज, उसकी जो पूरी एंटिटी है वो पूरा एक ही है। कॉलेज में इसको यानी स्कूल में इसको क्या नाम से जाना जाता था, स्कूल में इसको कहा जाता था स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट है, ये स्कूल के में कहा जा रहा है। घर में क्या कहा जा रहा है, घर में क्या उसको कहा जा रहा है, सन कहा जा रहा है, एक सन है, एक ब्रदर है, एक ग्रैंडसन भी हो सकता है अगर उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। देखिए एक ही एंटिटी में, एक ही ऑब्जेक्ट में, एक ही इंसान में कितनी सारी प्रॉपर्टीज निकल, कितने सारे उसके फॉर्म्स निकल के आ रहे हैं। एक फॉर्म है, एक उसका रूप है जिसमें वो स्टूडेंट है, एक रूप है जिसमें उसका किसी का बेटा है, किसी का भाई है, और किसी का वहाँ पे पोता या पोती जो भी कहें वो है। और वहीं पे अगर अपने फ्रेंड सर्कल में चला जाए, अपने मान लीजिए सपोज पार्क में चला गया, पार्क में उसके फ्रेंड्स आएंगे, उनमें क्या है, वे फ्रेंड है, उन सबके लिए क्या है, एक फ्रेंड है, वहाँ पे उन सबके लिए स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट किस लिए होगा, टीचर्स के लिए होगा। तो एक ही एंटिटी को अलग अलग फॉर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, उसी एंटिटी को, उसी लड़के को हम एक फ्रेंड भी बना रहे हैं। जब इस लोकेशन में आया, जब आपने घर पे आया तो एक सन है, ब्रदर है, ग्रैंडसन है, और वही जब स्कूल में चला गया तब एक स्टूडेंट हो गया, हो गए ना वो पॉलीमॉर्फ, मतलब कई फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स, एक ही एंटिटी के कई सारे फॉर्म्स। सिमिलरली यहाँ पे जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो भी इसी कॉन्सेप्ट को दिखाता है रियल वर्ल्ड के, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसको आप जब अलग अलग सिचुएशंस में जब रखेंगे तो अलग अलग तरह से बिहेव करेगा। कैसे वो टेक्निकली क्यों, कैसे अचीव करते हैं हम, वो प्रोग्रामिंग पे जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पे पहुंचेंगे तब हमें समझ में आएगा कि टेक्निकली वो कैसे अचीव होता है। लेकिन मेन उसका जो मेन ओवरऑल उसका समझ है उसकी यही है कि एक एंटिटी को जब कई सारे फॉर्म्स दे दिए जाते हैं, मतलब एक एंटिटी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह बिहेव करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब कि पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन देना चाहें पॉलीमॉर्फिज्म की, यहाँ पे तो क्या होगी डेफिनेशन, द एबिलिटी, किसी चीज़ की एक एबिलिटी ही तो है कई सारे फॉर्म देना। अब उस स्टूडेंट की एक एबिलिटी, उस लड़के की एबिलिटी तो है कि हर पर्सपेक्टिव में, हर फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। जब स्कूल में है तो एज अ स्टूडेंट बिहेव करता है, जब फ्रेंड्स के साथ में तो एज अ फ्रेंड बिहेव करता है, जब अपने पेरेंट्स के साथ में तो एज अ उनका सन बिहेव करता है। तो उसकी एक एबिलिटी है, एक खासियत है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या एक कोई एंटिटी, किसी भी एंटिटी की जो एबिलिटी है टू टेक मेनी फॉर्म्स, यहीं से आ गए ना, मेनी को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं पॉली फॉर्म्स, तो क्या बोलेंगे, मॉर्फ। बस मतलब किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो सिंगल एंटिटी कई सारे फॉर्म ले सकता है, कई सारे सिचुएशन में आपको अलग अलग, खुद को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये थी हमारी जो लास्ट
टॉपिक हमारा था, जो लास्ट हमारा पॉइंट था कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, द एबिलिटी टू टेक मेनी फॉर्म्स। तो हमारे जावा में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनमें जो फीचर्स हैं वो यही है। उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये रखा था कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या होते हैं। क्लास हमें पता है, जो ब्लूप्रिंट है जिससे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी एंटिटी जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ बिहेवियर्स हों, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हों, कुछ उसके बिहेवियर्स हों। स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज क्या थी? ये हमारे स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज क्या थी? नेम था, फादर्स नेम था, क्लास ऑफ स्टडी, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, उसकी प्रॉपर्टीज थी। और उनके बिहेवियर्स क्या क्या थे? स्टूडेंट के इनपुट करना डेटा को, मतलब डेटा को जो क्लास बनेगी हमारी वहाँ पे प्रोग्रामिंग में, वो क्या रहेगा? एक इनपुट डेटा का इनपुट होगा, डेटा का सेव होगा, डेटा का रिट्रीवल होगा और डेटा का आउटपुट होगा। तो ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज हो गई ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट के कुछ जो एट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट क्या है? एक ऐसी एंटिटी जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और उससे रिलेटेड कुछ बिहेवियर्स हैं, और उन्हीं बिहेवियर्स और एट्रीब्यूट्स का जो ब्लूप्रिंट है, जो बेसिक मॉडल है, उसे हम कहते हैं क्लास। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या हुआ? कि केवल इंपॉर्टेंट डिटेल्स को शो करना और बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं, जो हमारे काम की डिटेल्स नहीं है, उनको हाइड कर देना, ये हुआ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अगला क्या था? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन वही कैप्सूल वाला सिस्टम कि कई सारे एट्रीब्यूट्स को, कई सारे बिहेवियर्स को एक सिंगल यूनिट में कंबाइन कर देना। कौन सी यूनिट में? क्लास या ऑब्जेक्ट में कंबाइन कर देना। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनकैप्सुलेशन, कई सारे प्रॉपर्टीज को, कई सारे वैल्यूज को एक यूनिट में कंबाइन कर देना। इनहेरिटेंस वही कि अगर एक क्लास दूसरे क्लास की, अपनी पेरेंट क्लास की जिसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको इनहेरिट कर ले अपने में, मतलब उनको अपने प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर ले, तो क्या कहते हैं उसको? इनहेरिटेंस। मतलब कि एबिलिटी एक क्लास की टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स पेरेंट्स क्लास, जो पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेना, ऐसे क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। और क्या था फिर हमारा? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म वही पॉली प्लस मॉर्फ, एक एंटिटी जब कई सारे फॉर्म्स ले सके तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब एक एंटिटी जब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह बिहेव कर सके तो उसे क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये थे हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होते हैं उनके फीचर्स, उनके सारे जो वैल्यूज हैं, जो पॉइंट्स हैं हमारे, जो हमको जो समझना है, जिनके लिए, जिनको लेकर के हमें आगे प्रोग्रामिंग में एंटर होना है, वो हमारे ये थे: क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये है, अगले क्लास में हम फिर बेसिक अपनी प्रोग्रामिंग का, प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, जावा से रिलेटेड सिस्टम है, जावा से स्टार्ट करेंगे।